हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता झा। आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए और ब्लड को डोनेट भी करते होंगे, क्योंकि आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। आज किसी भी इंसान की मौत के मुंह से डॉक्टर जो हैं वो बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन ये सब कोई नई बात नहीं है, पर पहले के समय में यह सब करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इंसानों को पता ही नहीं था कि इंसानों के शरीर में खून होता है और उनका एक ग्रुप भी होता है। कुछ बीमारियां तो इस तरह की हुआ करती थी कि इनका इलाज तो बहुत दूर की बात है, इसको हम रोक भी नहीं पाते थे। जैसे कि आज के समय में COVID-19 फैला हुआ है और इसका अभी तक कोई इलाज या फिर कोई तोड़ नहीं निकाला गया है। आधुनिक समय में व्यक्ति के शरीर से दूसरे शरीर को खून हम आसानी से दे देते हैं, लेकिन पहले ये बहुत मुश्किल की बात थी पहले के समय में। तो हम जानते हैं, आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लड डोनेशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ और सबसे पहले किसने ब्लड डोनेट किया और ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो किसने की। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। तो दोस्तों, माना जाता है कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाने की शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले ब्लड एक शरीर से दूसरे शरीर में जब चढ़ाया गया था, तब 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी। 1628 की बात है। 1628 में विलियम हार्वे ने पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर वर्णन किया था। फिर 1659 में के आसपास क्रिस्टोफर रेन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पहली बार से ट्रांसफ्यूजन करने के लिए पहली बार सिरिंज का आविष्कार किया। इसका प्रयोग करके चिकित्सकों ने इंग्लैंड और फ्रांस के जानवरों पर पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, यानी कि पहली बार दो जानवरों में ब्लड को डाला गया। उसके बाद क्या हुआ, 1666 में इंग्लैंड के चिकित्सक रिचर्ड लोवर ने मानव इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जब उन्होंने दो जानवरों के बीच पहला सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। इसके बाद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सफर स्टार्ट हो गया और वैज्ञानिकों ने इसको और तेजी से गति प्रदान कर दिया। सन 1667 की बात है, इसका प्रयोग इंसानों पे करना स्टार्ट हो गया। जानवरों के बाद अब समय आ चुका था कि इसको इंसानों पर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आजमाया जाए। इंसानों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की शुरुआत हुई थी 1667 में। इंसान पर सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का श्रेय जाता है जीन बैप्टिस्ट डेनिस को, जो फ्रांस के राजा लुई 14वें के चिकित्सक थे, यानी कि उनके डॉक्टर थे। जीन के पास दो मरीज के केस थे, एक 15 साल का बच्चा था तो दूसरा एक मजदूर था। दोनों को ही खून की जरूरत थी। यह काम मुश्किल तो था, लेकिन जीन ने इसे करने की ठान ली थी। जीन ने एक भेड़ का खून निकाला और उसको लेकर उन्होंने उन दोनों मरीजों के शरीर में डाल दिया और यह सफल भी रहा। इस तरह जीन ने पहला ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके मानव चिकित्सा के नए दरवाजों को खोल दिया। लेकिन जानवरों का ब्लड तो इंसानों में चढ़ गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंसान मरने लगे। यानी कि जानवरों का ब्लड तो चढ़ा दिया गया उन पे, लेकिन उनको कई तरीके की बीमारी भी हो गई जिससे इंसानों की मौत होने लगी। तो जीन तो है वो दो जानवरों का खून लेकर, भेड़ का खून लेकर उन्होंने दो इंसानों पर चढ़ा दिया, यानी कि तब से तो ये स्टार्ट हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन इसके बाद की हिस्ट्री क्या है, जीन की सफलता को देखकर बाकी चिकित्सक भी भेड़ का खून इस्तेमाल करने लगे, या कुछ मामलों में तो सफल हुआ, लेकिन हर बार सफल हो यह जरूरी नहीं था। भेड़ का खून इंसानी खून से अलग होता है, इसलिए इसे ट्रांसफ्यूजन में इस्तेमाल करने के कुछ दुष्प्रभाव भी हुए। शुरुआत में सब इससे अनजान थे, किसी को पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप भी होता है और जानवरों का खून इंसान में चढ़ सकता है कि नहीं। थोड़ी देर वक्त के बाद इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया, जानवरों का खून इंसानों में नहीं चढ़ेगा। भेड़ के खून पर बैन लगने के बाद भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया यहीं पे रुकी नहीं, लोग तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगे। आखिर में 1818 में ब्रिटिश प्रसूति विज्ञानी जेम्स ब्लंटेल ने पहली बार एक इंसान का खून एक दूसरे मरीज में चढ़ाया। यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ, लेकिन इसे असली पहचान मिली जब 1901 में एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, जब उन्होंने इंसानी ब्लड ग्रुप की खोज की।
कार्ल लैंड स्टीनर का जो हिस्ट्री है वो भी बहुत अजीब है, इसको भी आपको जानना चाहिए कि उन्होंने इन सब की शुरुआत कैसे की। तो लगभग चल रहा था 19वीं शताब्दी तक तो जानवरों पर ही खून का टेस्ट होने लगा, लेकिन 19वीं शताब्दी में कार्ल लैंड स्टीनर ने ही इसकी खोज की थी कि हम खून को इंसानों पे कैसे चढ़ाएं, दो इंसानों के बीच में कैसे ट्रांसफ्यूजन किया जाए। तो सदियों पहले समाज में सिर्फ दो रक्त समूह माने जाते थे, एक अच्छे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, एक खराब व्यक्ति का ब्लड ग्रुप। तो खराब व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड जो होगा वो कौन चढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं चढ़ाना चाहेगा। लेकिन लैंड स्टीनर ने क्या किया, लैंड स्टीनर के समय यह धारणा बहुत ज्यादा प्रचलित थी समाज में, सभी इंसानों में एक जैसा ब्लड पाया जाता है। लेकिन उस समय तक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफर करने का काम आसान नहीं था। 1901 में लैंड स्टीनर ने पता लगाया कि ऐसा ब्लड के ब्लड सीरम के संपर्क में आने की वजह से होता है, यानी कि जब लोग मरने लगे तो उन्होंने पता लगा लिया कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये सब हो रहा है, लोग इसी वजह से मर रहे हैं। इसके बाद लैंड स्टीनर ने क्या किया, उन्होंने रक्त का सीरम जो है उसको ट्राई करना स्टार्ट किया, उस पे शोध करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अलग अलग लोगों के रक्त की बनावट अलग अलग होती थी, यानी कि होती है, इसीलिए अलग अलग रक्त देने और पाने वाले की कोशिकाओं में समानता और असमानता होती है। यानी कि किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और उसको हमने चढ़ा दिया बी पॉजिटिव वाले बंदे का खून, तो वो इंसान तो गया, वो इंसान तो मरेगा ही। तो उन्होंने इसी की खोज कर दी कि अलग अलग रक्त देने से पाने वाले और देने वाले दोनों की कोशिकाओं में समानता और असमानता पैदा होती है। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कई दर्जन ब्लडों के सैंपल को कलेक्ट किए। उन्होंने अपने लैब में ब्लड के घटक आरबीसी को ब्लड सीरम से अलग कर दिया। ऐसे सैकड़ों नमूनों की जांच और आरबीसी की क्रॉस टेस्टिंग के बाद उन्होंने पाया कि कुछ केसों में ब्लड देने वाले का खून कुछ सीरम नमूनों में थक्कों में बदल जाता है, यानी कि अगर ए पॉजिटिव वाले पर्सन का जो ब्लड सीरम लिया गया था उसमें उन्होंने मिला दिया बी पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड सीरम, तो उससे क्या हो गया, ब्लड जो है क्लॉट में बदल गए, थक्कों में बदल के उनको मिले। तो वो समझ गए कि अगर दो विपरीत पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हो तो उसको अगर हम चाहते तभी ये थक्का जमता है। तो उन्होंने इसकी क्रॉस टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब थक्का जमने लगा कुछ नमूनों में उसके विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होती थी, यानी कि अगर किसी ए पॉजिटिव वाले पर्सन को ए पॉजिटिव वाला ही चढ़ाया गया तो वो खून उनका थक्का जो है बिल्कुल नहीं जमा, वो वैसा ही रहा। तो अब वो सोचने लगे कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, कुछ ब्लड जो है, यही है कार्ल लैंड ने, इन्होंने ही खोज की थी, तो कुछ ब्लड जो है वो थक्के में जम रहे हैं लेकिन कुछ ब्लड जो है वैसे के वैसे ही हैं, वो क्यों नहीं थक्के में बदले। तो इनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगा। लगभग 1937 में उन्होंने ये सब काम स्टार्ट कर दिया। तो करीब एक साल तक उन्होंने रक्त का परीक्षण किया, उस पर टेस्टिंग की और रक्त की पेचीदा संरचना का उन्होंने अध्ययन करने का विचार किया। इसके बाद लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स पर अपने विचार दुनिया के सामने रखे, यानी कि अब कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं आपको पता ही होगा, ओ पॉजिटिव ए ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ये चार ही आपके ब्लड ग्रुप होते हैं और चार के होते हैं, चार पॉजिटिव चार निगेटिव, यानी कि टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उन्होंने ब्लड ग्रुप्स पर अपने विचार दुनिया के सामने रखने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि इंसानी ब्लड ग्रुप प्रमुख रूप से कम तीन तरह का होता है, क्योंकि ये शुरुआती खोज थी तो उन्होंने तीन टाइप का बताया, जो रक्त की लाल कोशिकाओं के प्लाज्मा यानी कि झिल्ली से जुड़े प्रतिजन के अनुसार अलग अलग होता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने मानव रक्त को तीन समूहों में बांटा, एक ए बी और तीसरा सी। इसके बाद ग्रुप सी को उन्होंने लास्ट में नाम दे दिया ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप आप जानते हो ना, वही सी वाले का नाम पर उन्होंने रख दिया ओ। एक साल बाद उनके दो साथियों एल्फ्रेड फॉन डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने और ज्यादा लोगों की जांच की और ज्यादा ब्लड ग्रुप का उन्होंने पता लगाया।
और इसे नाम दिया उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप। उन्होंने बताया कि 1937 में दुनिया का पहला ब्लड बैंक शिकागो में और 1942 में देश में चार ब्लड बैंक एक साथ खोले गए, जिनमें से आप जानते हो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जो ब्लड वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है, इसका भी ब्लड ग्रुप, उसका जो ब्लड बैंक है वो भी दुनिया के चार ब्लड बैंक जो खुले थे शुरुआत में, उन्हीं में से एक ये भी था। तो ब्लड ग्रुप जो है, इसका पहला संग्रहालय जो है ये कहाँ पे बना था? 1921 में। मतलब हर इंसान को जरूरत पड़ती थी, किसी भी इंसान को ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ती थी, तो जरूरतमंद इंसान को बचाने के लिए ब्लड मिल जाए, इसलिए उन्होंने ब्लड संग्रहालय का निर्माण किया। कहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो 1921 में ब्रिटिश रेड क्रॉस के सदस्यों के कारण हो पाई, जिन्होंने पहली बार लंदन के किंग कॉलेज हॉस्पिटल में रक्तदान किया। यहाँ से खून को स्टोर करना स्टार्ट हो गया ताकि जरूरत के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। और 1936 में विश्व का सबसे पहला ब्लड बैंक भी खोल दिया गया, इसे शिकागो के कुक कंट्री हॉस्पिटल में खोला गया। कहते हैं कि ब्लड स्टोर की असली अहमियत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पता चली थी। बड़ी मात्रा में सैनिक और नागरिक घायल हो रहे थे, जिसके कारण खून की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई। अमेरिका की रेड क्रॉस ब्लड सर्विसेज ने इसी बीच अपनी शुरुआत की और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान प्रोग्राम को चलाया और बड़ी मात्रा में खून एकत्रित किया, और उस खून को उन्होंने सैन्य क्षेत्रों में भेजा, जिससे सैनिकों की जान को बचाया जा सका। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ब्लड बैंक को खोला गया, ठीक है? अब ब्लड आप डोनेट तो करते हो, लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले भी कई चीजें की जाती हैं ताकि यह ट्रांसफ्यूजन जो है वो सफल हो सके। तो ट्रांसफ्यूजन से पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, आपकी नाड़ी चेक की जाएगी और आपका टेम्परेचर भी मापा जाएगा। आपके खून की जांच की जाएगी और जाना जाएगा कि वह किस ब्लड ग्रुप से मिलता है। जब सारी जांचें पूरी हो जाएंगी तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि आप ब्लड डोनेट करते हो तो इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप जाते हो वहाँ पे तो पूरी प्रोसेस करने में आपको 1 से 3 घंटे का समय लग ही जाता है, और जरूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा देर भी हो सकती है। बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है कि किसी को ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में कोई परेशानी हो। अगर ट्रांसफ्यूजन के समय आपको खून बहना, दर्द या फिर पीठ दर्द, सर दर्द, उल्टी या फिर आपकी दिल की धड़कने बढ़ने लगती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बता देना चाहिए। और ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपकी बॉडी थोड़ा समय लेती है नए खून को बनाने में, एडजस्ट करने में, तो इस दौरान आपको कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और ट्रांसफ्यूजन के 24 से 48 घंटों तक आपको बस आराम करना है, कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है आपको, आपको अपना ख्याल रखना होता है, ठीक है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन खोजों में से एक है जिसने इंसानों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। यह ना तो होता और ना ही सॉरी यह ना होता तो आज कितनी ही परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता। और आप जानते होंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि उनके शरीर में खून है। जब एक लड़का अचानक से कहीं से गिरा और उसका सर फट गया, तब पता चला कि उसके शरीर के अंदर ये खून भी होता है, और तब से शुरुआत हो गया जानवरों का खून चढ़ाना इंसानों में, और कई सारे इंसान इसकी वजह से मारे गए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डोनर्स की जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो ये हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किए जाने वाले रक्तदान को महादान कहा जाता है, और इस सहारनपुर के संत कमल किशोर इस महादान के लिए उन्होंने 141 बार ब्लड डोनेट करके रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। तो ये हैं आपके संत कमल किशोर जी, जिन्होंने 141वीं बार ब्लड को डोनेट किया, और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे डोनर हैं जो आपको मिल जाएंगे ब्लड को डोनेट करते हुए। तो इन समय इन सभी की आप जरूरत इन सभी का जोश बढ़ाते रहिए, और ब्लड डोनेशन को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, खुद भी डोनेट कीजिए और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना भूलें। थैंक यू।